हेलो जी नमस्कार, मैं हूँ गोविंद पटेल और आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। ये जो आप धान देख रहे हैं लगभग ये 21 दिन होने को है और ये DSR विधि है, मतलब इसको हम लोग सीधी बिजाई किए थे और आप देख रहे हैं जो ये धान है काफी अच्छे तरीके से है और घास तो इसमें बिल्कुल नहीं है। आपको मैं एकदम नजदीकी जमीन से दिखाता हूँ, आप देखेंगे कि इसमें घास बिल्कुल नहीं है और एक आग दो घास उगे हैं जो साइड साइड में है वहां पे, और अंदर की अगर मैं बात करूं तो अंदर साइड आपको बिल्कुल एक भी घास नहीं दिखेंगे। ये वाली जो विधि है DSR की, ये इसको हम लोग बोलते हैं लाईहरा विधि या फिर लाई चोपा विधि, मतलब अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये वाली विधि में जो आप करते हो तो आपके जो धान है वो काफी अच्छे तरीके से होते हैं और घास काफी कम होता है, या फिर बोला जाए तो ना के बराबर होता है, और हो भी जाए तो आप कोई एक अलग से टेक्निकल का यूज करके बिस्पारी बैग जैसे तो इसको खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है DSR विधि में हम लोग धान की बुआई करते हैं। आप देख रहे हैं थोड़ा सा आपको घना लग रहा होगा क्योंकि हमारे साइड थोड़ा घना ही पसंद करते हैं लोग, और मैं थोड़ा आपको नजदीक से दिखाता हूँ। इस तरीके से जो DSR विधि है इसमें होता है। ये वाली विधि की मैं अगर खास बात आपको बताऊं तो ये वाली विधि में पहले हम लोग खेत को चिखल कर देते हैं, पानी डाल के उसको पूरी तरीके से मचाई कर दिया जाता है और उसके बाद जो है अंकुरित धान को छिड़क दिया जाता है। आप देखेंगे जहां पर ज्यादा पानी भरा रहता है, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे इसमें पानी थोड़ा भर गया था, मतलब निकलने की कोई सुविधा नहीं थी, तो यहाँ पे जो है धान अंकुरित नहीं होते हैं जहां पर पानी भरता है, और जहां सूख जाता है वहां पर आप देख रहे हैं काफी अच्छे तरीके से ये हो रहा है और इसमें धान तो काफी अच्छे होते हैं और घास ना के बराबर होता है। मैं आपको एक और सूखे DSR विधि को बताऊंगा जो काफी परंपरागत है और हमारे तरफ आज भी चलते हैं, मैं उसको भी आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये तो फिलहाल DSR का जो हमारा लाई चोपा विधि है उसके द्वारा, अब मैं आपको डायरेक्ट विधि का दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरी विधि है जिसको डायरेक्ट सूखे खेत में धान को छिड़क के, सूखे धान को उसके बाद उसमें कल्टीवेटर चला के पाटा चला दिया जाता है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। और ये वाली जो धान है मेरे धान से लगभग 2-4 रोज पहले इसकी बुआई की गई थी और उसके बाद हमने इसको बुआई किया था, तो देख रहे हैं दोनों में अंतर। और इसमें खरपतवार जो है, कुछ पुराने खरपतवार भी उगे हुए हैं और कुछ नए जो खरपतवार हैं वो भी साथ में उगे हुए हैं, क्योंकि ये वाले खेत में आपको पानी भर के रख नहीं सकते, तो सीधी बात है खरपतवार तो उगना ही है। और ये जितने भी आपको ऊंचे ऊंचे दिख रहे हैं ये कुछ ढेंचा भी है और कुछ खरपतवार भी उगे हुए हैं। ये वाली विधि जो है काफी पुरानी विधि है और इसको वहां पर हम लोग यूज करते हैं जहां पर पानी की सुविधा नहीं होती है, और जहां पानी की सुविधा होती है तो वहां पे हम लोग ये जो लई चोपा या फिर लई हरा विधि बोलते हैं उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे लेबर की रेट बढ़ रही है रोपाई में तो धीरे धीरे लोग DSR की ये वाली विधि में ट्रांसफर हुए हमारे तरफ। मैं सिर्फ 1% में इस बार डेमोस्ट्रेशन के लिए लगा है, मेरे को देखना है कि उसके उत्पादन किस तरीके से होते हैं और जो सूखे विधि और ये वाले जो विधि है लई चोपा विधि, तो दोनों में कौन सा बेटर उत्पादन देगा उसको हम लोग को थोड़ा इस बार एनालिसिस कर रहा हूं मैं। 1% जो मेरी जमीन है उस पर मैंने ये जो DSR विधि से ये वाले धान को रोपाई किया है। अभी तक तो फिलहाल काफी अच्छे ग्रोथ है, ये है 21 दिन की और अभी इसमें कल्ले फूटना चालू हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ धान में भी कल्ले, जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाले धान में अभी कल्ले फूटने चालू हो गए हैं, और ये जो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं ये सूखी अवस्था, मतलब आपको हल्की नमी दिखाई देगी, कहीं कहीं पानी दिखेगा। ये वाली जो इन्वायरमेंट है ये धान के कल्ले फूटने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं, और बची खुची कसर ये जो केंचुए आप देख रहे हैं, केंचुए जो उखाड़ के रखे हैं, तो इससे भी कल्ले अच्छे फूटते हैं क्योंकि इसके जड़ का फैलाव काफी अच्छे तरीके से होता है। तो ये वाला विधि अभी तक तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मैं आने वाले साल में काफी जमीन पे इसको रिप्लेस करने वाला हूँ, इस बार इसके उत्पादन का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो फिलहाल ये है मेरे DSR का दो विधि, और आपने देखा किस तरीके से धान हुआ है, मैं इसका उत्पादन भी जब कटाई होगा तो दोनों विधि का मैं आपको उत्पादन भी बताऊंगा और बीच बीच में अपडेट देते रहूंगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा।